नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल देव फाइनेंस। दोस्तों, शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए बहुत से लोग इच्छुक होते हैं, खासकर भारत जैसे देश में जहां बड़ी आबादी युवाओं की है। मगर अधिकतर लोग शेयर बाजार के बारे में यह नहीं जानते कि शुरुआत कहां से और कैसे की जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू किया है या निवेश करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको बताते हैं शेयर बाजार में आप शुरुआत कैसे करें और किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ें। आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट ब्रोकिंग फर्म्स और वेबसाइट्स के बारे में बताते हैं जो हर एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर बात करें कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो देखिए, जब आप शेयर मार्केट से शेयर्स को खरीदते हैं तो वह शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जमा होते हैं, और जब शेयर्स को बेचते हैं तो वह आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट होता है। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट के होने से आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। दोनों अकाउंट्स को एक साथ ही ओपन किया जाता है। आप अपना डीमैट अकाउंट दो जगहों पर ओपन करा सकते हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर्स के पास और दूसरा डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास। फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सर्विसेज देते हैं। इनके ब्रांच ऑफिसेज मल्टीपल लोकेशंस पर होते हैं। ये आपको रिसर्च एडवाइजरी और अन्य इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके ब्रोकरेज चार्जेज बहुत ज़्यादा होता है। अकाउंट ओपनिंग चार्जेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। कुछ फुल सर्विस ब्रोकर के एग्जाम्पल हैं शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ICICI डायरेक्ट और HDFC सिक्योरिटीज। वहीं बात करें डिस्काउंट ब्रोकर्स की, तो इनका ब्रोकरेज चार्जेज बहुत कम होता है। इनका अकाउंट ओपनिंग चार्ज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बहुत कम होता है। यह केवल ऑनलाइन सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। ये आपको किसी भी प्रकार के रिसर्च एडवाइजरी नहीं देते हैं। कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स के एग्जाम्पल हैं जिरोधा, अपस्टॉक्स, 5paisa और सैमको। लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इन दोनों में से किसी के पास डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ज़्यादातर लोग अपना डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास ही ओपन करवाते हैं, क्योंकि इनका ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम हो और फिक्स होता है। दोस्तों, आप भी स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास ही ओपन करवाएं। हम खुद भी जिरोधा और अपस्टॉक के डीमैट अकाउंट यूज करते हैं, क्योंकि इनका इंट्राडे चार्जेज 20 rupees पर ऑर्डर होता है और डिलीवरी पर कोई चार्ज नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप जिरोधा या अपस्टॉक के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया है, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, जब किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो उससे पहले उस कंपनी का फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आगे हम आपको 5 इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स बता रहे हैं जहां से आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, शेयर बाजार से रिलेटेड न्यूज को देख सकते हैं। दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वे सभी इन वेबसाइट्स से परिचित होते हैं, जिससे वे किसी भी स्टॉक्स पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, आपको भी शेयर बाजार में एक्टिव रहना है और एक सफल इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना है, तो आपको भी इन वेबसाइट्स के परिचित होना चाहिए, जिससे आप एक सही डिसीजन ले और मार्केट से अपडेट रहें। दोस्तों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम इनमें से किसी वेबसाइट्स का स्पॉन्सर या प्रचार नहीं कर रहे हैं। यह एक एडुकेशनल वीडियो है। फर्स्ट वेबसाइट है moneycontrol.com। यह एक काफी पॉपुलर वेबसाइट है शेयर मार्केट के लिए। यहाँ सबसे पहले हम गूगल क्रोम में टाइप करेंगे फर्स्ट वेबसाइट moneycontrol.com। यहाँ पहले वाले ऑप्शंस पर हम क्लिक करेंगे। ये अभी हमारे सामने moneycontrol.com का होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ आपको होम पेज पर बहुत से न्यूज और मार्केट अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ से आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। इसके बगल में ऐप का ऑप्शन है, जहाँ से आप मनी कंट्रोल का ऐप यूज कर सकते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ बीच में एक सर्च बार है, जहाँ आप किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप लॉगिन हो सकते हैं moneycontrol.com पे, जिसके लिए आपको फेसबुक या गूगल अकाउंट से लॉगिन या साइन अप होना पड़ेगा। यहाँ आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे होम, कोरोना वायरस, न्यूज, मार्केट, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी, इंश्योरेंस, वीडियो,
पॉडकास्ट पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो टू बी प्रो। टू बी प्रो का मतलब है कि आप मनी कंट्रोल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो चलिए एक स्टॉक को सर्च करते हैं। जैसे यहाँ हम सर्च करते हैं इन्फोसिस, तो अभी हमारे सामने इन्फोसिस का पेज ओपन हो गया है। आप यहाँ पर इन्फोसिस के सारे डाटा को देख सकते हैं। अभी BSE पर इन्फोसिस की प्राइस है 781.55 और NSE पर इसकी प्राइस है 781.70। यहाँ आपको ऊपर एक और बार दिखता है जहाँ पर इन्फोसिस से रिलेटेड बहुत से सेक्शंस का आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन हो जाएगा। अगर इसके फाइनेंशियल को चेक करना है तो फाइनेंशियल वाले सेक्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फाइनेंशियल वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसी तरह अगर वैल्यूएशन चेक करना है तो वैल्यूएशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वैल्यूएशन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत से कंपनी से रिलेटेड डाटा को देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले वेबसाइट की तरफ। हमारा सेकेंड वेबसाइट है skinner.in। यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो अभी हमारे सामने skinner.in का पेज ओपन हो गया है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है द बेस्ट रिसर्च टूल फॉर इक्विटी इन्वेस्टर इन इंडिया। आप यहाँ पर इक्विटी शेयर्स को अच्छे से चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट्स की एक खासियत है कि इसमें आपको ऐड वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगा। तो चलिए यहाँ सर्च बार में किसी स्टॉक को सर्च करते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ इन्फोसिस को ही सर्च करते हैं तो अभी हमारे सामने इन्फोसिस का पेज ओपन हो गया है। ये देखिए यहाँ आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पर आप किसी भी सेक्शन पर क्लिक करके उस सेक्शन को अच्छे से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ इन्फोसिस पर क्लिक किया गया है तो उसके मार्केट कैप, बुक वैल्यू, ROE, करेंट मार्केट प्राइस, इन सबको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट को चेक करना है तो चार्ट पर क्लिक करो तो चार्ट वाला सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसी तरह अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन को अच्छे से कंपेयर या चेक कर सकते हैं। उसी तरह बैलेंस शीट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो बैलेंस शीट का सेक्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। रेशियोज पर क्लिक करेंगे तो रेशियोज वाला सेक्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों यह वेबसाइट बहुत ही इजी टू यूज है। आप यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर हो सकते हैं अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से। तो चलिए तो थर्ड नव वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नव वेबसाइट है tickertap.com। यहाँ हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने tickertap का होम पेज आ जाएगा। यहाँ आप लॉगिन भी हो सकते हैं या यहाँ सर्च बार में किसी भी स्टॉक्स को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज को सर्च करते हैं तो हमारे सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर भी आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे जैसे ओवरव्यू, फोरकास्ट, फाइनेंशियर, पीयर्स, होल्डिंग्स, न्यूज और इवेंट्स। अगर इनका प्राइस चार्ट पे रिटर्न्स को चेक करना है तो आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 1 वीक का रिटर्न चेक करना है तो 1 वीक का रिटर्न है 3.32%। उसी तरह 1 मंथ का रिटर्न चेक करना है तो 1 मंथ का रिटर्न है 14.39%। 1 ईयर का रिटर्न है 41.78%। इधर राइट साइड में भी आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे जहां से आप इस स्टॉक्स का अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंटरेस्टिंग वैल्यू, रिटर्न्स वर्सेस FDs, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, रेड फ्लैग्स। अगर इसके फाइनेंशियल वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको फाइनेंशियल्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर बैलेंस शीट, कैश फ्लो को अच्छे से चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट्स का एक और विशेषता है कि यहाँ आप किसी भी कंपनी के ब्रांड्स को चेक कर सकते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का ब्रांड है रिलायंस फ्रेश और रिलायंस जियो। फोरकास्ट पे आप देख चेक कर सकते हो कि 78% एनालिसिस हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 4 नंबर स्टॉक्स की तरफ। हमारा फोर्थ स्टॉक्स है investing.com। तो हम गूगल में टाइप करेंगे investing.com। यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको मार्केट और न्यूज़ से बहुत से अपडेट होम में ही दिख जाएंगे।
इस वेबसाइट्स की खासियत है कि इसमें आपको इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स का भी हाल जानने को मिल जाएगा। हालांकि इस वेबसाइट्स का यूज लोग ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए करते हैं। यहाँ चार्ट वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर किसी भी कंपनी के चार्ट को देख सकते हैं। चलिए तो एक स्टॉक को सर्च करते हैं। यहाँ हम सर्च करते हैं आइनॉक्स लीजर को, तो हमारे सामने आइनॉक्स लीजर का पेज ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्टॉक्स की प्राइस है 234.30। अगर इस कंपनी का टेक्निकल को आप चेक करना है तो टेक्निकल पे क्लिक करो तो आपके सामने आइनॉक्स लीजर का टेक्निकल ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट का हाल जानना है तो आप मार्केट के सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यह वर्ल्ड इंडाइसेज ओपन हो जाएगा, जहां आप डॉ जोन्स, S&P 500, नस्दक 100 जैसे फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस को चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आखिरी वेबसाइट, जो कि 5 नंबर वेबसाइट है। इसका नाम है valuresearchonline.com। यहां भी फर्स्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू रिसर्च का पेज ओपन हो गया है। यहाँ भी आप बहुत से स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वेबसाइट पर आप नॉलेजेबल कंटेंट भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ नॉलेज सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे जहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। जैसे मान लो इन्वेस्टिंग फॉर इनकम पर हमको जानना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ से आप किसी भी आर्टिकल को या रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं और आप नॉलेज ले सकते हैं। आप लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करके फ्री साइन अप या लॉगिन हो सकते हैं और किसी भी स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सर्च बार में कोई स्टॉक सर्च करता हूँ, जैसे PBR, तो PBR का स्टॉक हमारे सामने ओपन हो गया। तो यहाँ इस स्टॉक्स को आप अपने ऐड टू वॉच लिस्ट पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं या ऐड टू माई इन्वेस्टमेंट में क्लिक करके आप इन्वेस्ट के लिए इसको ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ नीचे PBR से रिलेटेड सारे डाटा देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट है जिसका यूज आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप इन वेबसाइट्स का यूज अपने स्टॉक पिकिंग और डेली मार्केट अपडेट्स के लिए कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम आपके लिए ऐसे ही शेयर मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।